Hey guys, welcome back to the show. So, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट की स्टार्टिंग है आपकी डायमेंशंस की. सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक है विच इज यूजेस ऑफ डायमेंशंस. सो एज यू कैन सी डायमेंशंस के तीन यूज होते हैं. फर्स्ट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम, मतलब हम एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. ये आपने नाइन्थ में भी किया हुआ है. अभी हम लोग इसी को डिटेल में देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में. नाउ सेकंड यूज होता है यहाँ पे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन, कि आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी आपको उस इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक करनी है कि वो इक्वेशन सही लिखी है या फिर गलत लिखी है. एंड लास्ट एंड थर्ड यूज यहाँ पर होता है क्या, टू डिराइव द फॉर्मूला, कि आपको कुछ क्वेश्चन होंगे कुछ फॉर्मुलेज आपको डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. सो अभी हम लोग जो यहाँ पर सबसे फर्स्ट यूज, या ये मान लीजिए जो सबसे फर्स्ट यूज है डायमेंशंस का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज दिस यूज नंबर वन, दैट इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम. Now, हमें अब कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में. ठीक है, ये आपने क्या हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नाइन्थ में आपने कन्वर्जन लिया हुआ है स्पीड है, अब स्पीड आपको दी हुई है यार लेट्स से 36 किलोमीटर पर आवर. अब आपने इस स्पीड को कन्वर्ट करना है किसमें, इस स्पीड को आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे फॉर्मूला बनाऊंगा, उसके बाद वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन. देखिए आप स्पीड क्या है, स्पीड क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने मान ली स्पीड व्हिच इज क्यू. तो ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है एन वन, और ये यू किलोमीटर टावर जो है ये यूनिट है, बट कौन सी वाली है, फर्स्ट वाली यूनिट है. यहां पर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है टू, ये आपको हमेशा वैल्यू निकालनी होगी. और ये मीटर पर सेकेंड क्या है, ये है आपका कोई दूसरी यूनिट. ठीक है, तो उसी के बेसिस पर यहां पर लिखते हैं कि q is equals to n1 u1 is equals to n2 u. बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने 9th में पढ़ा कि स्पीड है किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज q, तो इसको n1 दैट इज वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको गिवन होगी हमेशा. ठीक है, वी विल डिस्कस विल डू क्वेश्चंस ऑन इट, तो आपको और अच्छे से जाके क्लियर हो जाएगा. किलोमीटर पर आवर एक यूनिट है, n2 वो वैल्यू जो आपको निकालनी है, एंड मीटर पर सेकेंड दूसरी यूनिट है आपकी यहां पे. नाउ q is equals to n1 u1 is equals to n2 u2. ठीक है, ये आपको क्लियर होगा. इसी के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल वही है, q is equals to n1 u1 is equals to n2 u2. जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको ये मिल सकता है यहां पे n1 u1 is equals to n2 u2. नाउ n1 को हमने रखा as it is. अब देखिए आपको पता है कि आप किसी भी सिस्टम को, यूनिट से किसी भी सिस्टम को तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हैं, और वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, मैंने ऑलरेडी ये बेसिक्स कवर किया हुआ है डायमेंशंस का. तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, मास, लेंथ और टाइम. किस तरह लिखते हैं आपको पता है, इट इज m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, बट यहां पर आ जाएगा m1 की पावर l1 और t1 की पावर a. ठीक है, वन क्यों, क्योंकि भाई पहली वाली यूनिट है. नाउ n2 as it is रहा, u2 m की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c. नाउ भाई अब यार ये u2 ऐसे ही क्यों रहा, की पावर a की पावर b, मेरा कहने का मतलब है u2 को हमने इस फॉर्म में लिखा, हमने इस फॉर्म में लिखा क्यों लिखा, अभी अभी तो बताया कि आप किसी भी सिस्टम को या किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भाई MLG की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेस कर दे ना, और उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है, दैट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन है ये डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, नाउ देयर इज दिस थिंग, सवाल आता है दोनों जगह पावर सेम क्यों है, कि यार यहां भी एबीसी है यहां भी एबीसी है, दोनों जगह पावर सेम क्यों है. भाई पावर इसलिए सेम है क्योंकि आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम तो है, आप देख सकते हो फिजिकल क्वांटिटी सेम. और आपको पता है स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 lt माइनस 1, जब किलोमीटर पर आवर में देखो तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला ही रहेगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी स्पीड है, मीटर पर सेकंड में देखो तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला ही रहेगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी स्पीड है. इसीलिए
इनकी पावर्स मतलब इनकी डायमेंशन दोनों जगह सेम है, बस ये m1 m2 हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आपको अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है इवन इसका इससे, ठीक है। तो यहां से मैंने बताया आपको n2 हमारी वो वैल्यू होती है जो हमें निकालनी होती है, तो n2 is equals to m1, क्या बनेगा m1 by m2, ये कुछ बनेगा, अगर मैं इसको कुछ हिस्सा लिखूं कि पावर a l2 की पावर b एंड देन t2 की पावर c, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना आपके पास, n1 m1 by m2 की पावर a l1 by l2 की पावर b एंड देन t1 by t2 की पावर c, तो ये आपके पास बना फाइनल फॉर्मूला जिससे आप किसी भी एक सिस्टम को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी दूसरे सिस्टम में। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम देखते हैं जरा साइड बाय साइड, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसके ऊपर देखने वाले हैं कि आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, और 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, आपने आंसर इज डाइन में कन्वर्ट करना है ना। देखिए इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने में, क्वेश्चंस को करने के बहुत सिंपल वे होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज आप इसी वे को ध्यान में रखिएगा। सॉल्यूशन की बात, सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेना है, एंड यू नो वेरी वेल कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो उसकी यूनिट की हेल्प से। तो यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेना है, न्यूटन की स्पीड में होती है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप प्लीज पीछे की वीडियो देखिए एक बार, इसे जो प्लेलिस्ट में पहले वीडियोस होंगे एक बार उनको देखिए आपको पता चल जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है भाई, एम एल टी माइनस टू, पता है आपको एल माइनस टू, तो देयरफॉर अब एम की पावर ए होती है, एल की पावर बी होती है, टी की पावर सी होती है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू होगी यहां पर माइनस टू। क्लियर हो आपको अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं यार ये जो न्यूटन है, ये जो न्यूटन आपको दिया हुआ है, यार ये कौन से सिस्टम की यूनिट होगी, न्यूटन किस में होती है फोर्स की, आंसर इज अच्छा n1 की वैल्यू पहचान लेते हैं। चलिए n1 पहचान लिए, देखिए मैंने बताया था n1 वो वैल्यू जो गिवन है आपको हमेशा, तो यहां पर n1 की कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, देखिए जरा n1 u1 n2 निकालना है, u2 डाइन है आपका, n1 इज 1, तो न्यूटन किस में होती है आपको शायद याद आ गया होगा, न्यूटन किस में होती है भाई, न्यूटन होती है आपकी SI सिस्टम में, न्यूटन किस में होती है, न्यूटन होती है आपकी SI सिस्टम में। अब आप SI सिस्टम में हो तो अभी आप u1 में हो, तो u1 में मतलब सारी चीजें 1 वाली, m1 l1 and then t1। अब SI में मास kg में होता है, लेंथ मीटर में होती है, और टाइम सेकेंड्स में होता है। अब जो डाई है आपको पता है डाई किस में होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता जिसको तो मैं बता देता हूं, डाइन जो है फोर्स की यूनिट होती है कौन से सिस्टम में, आंसर इज सीजीएस सिस्टम है। नाउ अब दूसरा सिस्टम है तो टू वाली चीजें चलेंगी, m2 l2 एंड देन t2, तो मास इज 1 ग्राम, लेंथ इज सेंटीमीटर, और टाइम इज सेकेंड्स। ओके तो ये हमने अपना लिख दिया। ओके नाउ अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b एंड देन t1 बाय t2 की पावर c, ये हमारा फॉर्मूला है यहां पे। तो n2 इज इक्वल्स टू, गाइस व्हाट इज n1, n1 इज 1, ये रहा 1, What is M1? M1 is 1 kg divided by 1 gram की पावर 1, ठीक है। Now L1 is कितना? L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter की पावर 1, and this is 1 second divided by 1 second की पावर 1. इससे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एक चीज और आपको बताऊं कि यार यहाँ पर 1 क्यों है, देखिए यहाँ पर आपको 1 ही लेना है, 1 ही लेना है, unless or until आपको यहाँ पर values कुछ और given ना हो। हम वैसे भी questions करेंगे जिनमें आपको values कुछ और में given होंगे, ठीक है please, but पहले इस question को आप ढंग से समझिए, क्योंकि ये question जो है ये basic building block है उन बाकी के questions के लिए,
ठीक है। नाउ अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा प्लीज, मैं आपको यहां पर जो बता रहा हूं, देखिए किलोग्राम और ग्राम में बड़ा कौन है, आंसर इज केजी। अब या तो आप बड़ी क्वांटिटी से छोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या छोटी से बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप बड़ी क्वांटिटी से वापस छोटी क्वांटिटी में, तो 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। 1 लीटर पर सेंटीमीटर में बड़ा कौन है, लीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर में तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो n2 किसके इक्वल आ गया 1000 × 100, दैट इज कितना 10^5, तो इसका मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन हुए, आंसर इज कितने डाइन हुए भाई, 10^5 डाइन। तो ये था, हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया था, आगे की वीडियोस में हम और अच्छे क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे।